करवा चौथ स्पेशल आपके लिए अनारकली फ्रॉक सूट लेके आई हूँ, वो भी 24 कली का कटिंग है। बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगी, चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, आपका स्वागत है स्टिच बाय इंडिका के चैनल में। आज आपको मैं अनारकली सूट बनाना बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगी, आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकती हैं। उसके लिए मैं 2.5 मीटर हैवी वर्क कपड़ा ली हूँ, 3 मीटर लाइनिंग का कपड़ा है और 4 मीटर जॉर्जेट कपड़ा है। अभी हैवी को हटाते हैं, हैवी जो पहले हम जॉर्जेट कपड़े को कटिंग करेंगे। ऊपर की चोली आपको डिस्प्ले पे साइज शो कर जाएगा, आप वहां से देख सकती हैं कितना है, उसके अकॉर्डिंग मैं कटिंग करूंगी। पहले हम चोली की कटिंग करेंगे, लेंथ है 55 और चोली की लेंथ है 15.5, 15.5 इंच हमारा लंबाई है चोली की, उसके हिसाब से हम पहले चोली की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फोल्ड हो गया है। अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे पहले ऊपर के साइड, 3.5 इंच गले का निशान लगाएंगे। हमें कटिंग नहीं करना है गला अभी, क्योंकि ये बोकरम पे हम कटिंग करेंगे गले को और बोकरम से ही बैठाएंगे, इसके लिए हम गले को बस निशान लगा रहे हैं। 3.5 इंच का गला रहेगा। और 4 इंच कंधा रहेगा, सिलाई लेके कर रहे हैं। साढ़े 6 इंच आर्म होल की लंबाई। अब हम गोलाई लगा लेंगे, ये आपका फ्रंट रहेगा और ये बैक है। ये देखिए 12 इंच के लगभग था हमारा चेस्ट का साइज, और कमर पे कमर हमारा है 42 पर 42 हम ये देखिए 42 का आ जाएगा 10.5 इंच पर हम इसका नहीं तिरछा नहीं काटेंगे, हमें प्लेट देना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 4.5 इंच पे प्लेट का निशान लगा लेते हैं। साढ़े 4 इंच के लंबाई पे आधा इंच मार्जिन ऐसे साइड इसे पकड़ के ऐसे ही सिलना है, दोनों साइड रहेगा और पीछे भी रहेगा बैक में। अब हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए कट गया, अब ऊपर का जॉइंट हम ऐसे ले लेते हैं। फ्रंट वाला निशान जो है इसे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए हमारा चोली का कटिंग हो गया। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे, उसके लिए हम ऐसे अर्ज में ही ऐसे फोल्ड करेंगे। पहला अर्ज फोल्ड ऐसे हो गया और हम दूसरा फोल्ड ऐसे कर लेंगे। 7 इंच का हमारा बॉर्डर रहेगा, तो हम वहीं से आधा इंच मार्जिन लेके हम यहाँ से ही निशान लगाएंगे ऐसे, देखिए 7.5 इंच का। और हमारा 20 इंच का लंबाई है बाजू की, और आधा इंच लेंगे मार्जिन सिलाई के लिए। अब यहाँ पे हम इसे पहले नाप लेते हैं, 14 इंच है, इधर भी निशान लगा लेंगे। यहाँ से 3.5 इंच ऐसे अब हम ऐसे। दो इंच मार्जिन देके साइज का फिटिंग लगा ली हूँ, आपका जितना है फिटिंग उस हिसाब से आप निशान लगा लीजिए। कटिंग कर ली हूँ, अब आगे का
जो गहराई कटिंग करते हैं हम सिर्फ उसकी निशान लगा के आधा इंच निशान लगाई हूँ बीच में और बाकी कॉर्नर मिला दी हूँ। ऐसे कटिंग कर लेंगे। बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम कली की कटिंग करेंगे। 10 इंच का बॉर्डर है उसके हिसाब से अब 10 इंच छोड़ के उसके बाद और चोली का लंबाई छोड़ के उसके बाद जो बचेगा वो कटिंग हम करेंगे। एक इंच मार्जिन लेके नीचे एक इंच आधा इंच स्टिचिंग के लिए और आधा इंच ऊपर के लिए एक इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। ये 10 इंच का बॉर्डर इसमें लगेगा उसके हिसाब से मैं ले ली हूँ। अब इसे हमें फोल्ड करके ऐसे एक बराबर आ जाए इसके लिए मैं ऐसे चार फोल्ड करके और इस साइड भी वैसे ही निशान लगा लूँगी और कटिंग कर लूँगी। सेम ऐसे ही मुझे तीन और काटना है। सेम ऐसे ही साइज में लंबाई लेके तीन और काटूँगी। अब कली का ये देखिए पहले मैं एक कागज़ पे कटिंग कर ली हूँ। ऐसे ऊपर 3 इंच है पूरा और नीचे 10 इंच है और इसे डबल फोल्ड करके ऐसे 1.5 इंच ऊपर और 5 इंच नीचे ऐसे लगा के निशान तिरछा कटिंग कर लूँगी। और ये देखिए चारों को मैं ऐसे मिला के एक साथ रख ली हूँ एक दूसरे के ऊपर और ऐसे देखिए एक साइड रखते हुए ऐसे निशान लगाएंगे हम। इसमें हमारी 24 कली निकल जाएगी आराम से। ये देखिए ऐसे निशान लगा लेंगे। पहली कली ऐसे लगेगी। अब हमें इसका ऐसे उल्टा करके दूसरे साइड से ऐसे निशान लगाना है। सेम ऐसे ही हम दूसरे भी कली का ऐसे निशान लगा लेंगे। ये देखिए ऐसे ही मिलाते हुए हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए हमारा टोटल कितना कली इसी में 24 कली निकल गया है। 6 गली एक में निकल रहा है उसके हिसाब से। ये देखिए अब कटिंग कर लूँगी ऐसे। आपका कमर कम है तो आप 3 इंच से कम कर सकती हैं। 2 इंच रख लीजिए आपके साइज़ के अकॉर्डिंग। ऊपर का कमर के साइड से आप घटा लीजिएगा। ये देखिए कली रेडी हो गया। इसे हम एक एक करके जोड़ लेंगे। ये देखिए एक कली ऐसे इसे हम जोड़ लेंगे सारा। अब लाइनिंग की कटिंग करनी है। लाइनिंग हम अम्ब्रेला कटिंग में करेंगे नीचे का घेरे में। तो ये देखिए डबल फोल्ड करके ऐसे त्रिकोण में ऐसे रख लेंगे। अब निशान लगा लेंगे। कमर हमारा 42 है उसके हिसाब से मैं निशान लगा लेती हूँ। 10.5 इंच आएगा। ये देखिए कमर उसके हिसाब से मैं लगा ली हूँ निशान। अब नीचे से ये देखिए ऊपर से जो हम 15-15.5 इंच का रखेंगे चोली का उसको ऊपर रखते हुए हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। 55 लेंथ है उसके हिसाब से मुझे जितना चाहिए 35 इंच के अकॉर्डिंग मैं रख लूँगी नीचे का। क्योंकि बॉर्डर लगेगा तो हमें कमी चाहिए अंदर की लेंथ। क्योंकि जब थोड़ा हल्का होता कपड़ा और बॉर्डर नहीं होता तो फिर नीचे तक मुझे चाहिए था फुल लेंथ में। पर बॉर्डर है इस करके थोड़ा छोटा ही रखूँगी 4 इंच। ये जोड़ पड़ेगा यहाँ पे। हम इसे यहाँ पे ऐसे रखते हुए 1 इंच ऊपर चढ़ा के ऐसे और फिर कटिंग करेंगे। ये देखिए ऐसे रख के ऐसे कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा जोड़ पड़ेगा साइड में। ये देखिए हो गया अंदर की लाइनिंग की कटिंग। अब हम ऊपर की चोली की जो लाइनिंग थी उसे कटिंग करेंगे। 4 फोल्ड कर ली हूँ मैं ऐसे। और ये देखिए अब इसे रख के मैं ऐसे कटिंग कर लूँगी। आपको कटिंग और डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ये देखिए बॉर्डर का अब कटिंग होगा। उसके लिए 10 इंच बॉर्डर है और 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी क्योंकि मार्जिन चाहिए सिलाई के लिए आधा आधा इंच। ये देखिए ऐसे मैं कटिंग कर लूँगी। एक आपको कटिंग करके दिखा दी हूँ। और ऐसे ही सेम हमें 5 और पूरे 6 पीस कटिंग करना है। जितना घेरा है उसके अकॉर्डिंग मैं 6 पीस कटिंग कर ली हूँ।
और ये देखिए स्लीव के लिए 7 इंच का लंबाई कटिंग कर ली हूँ। 7 इंच है आपका सेम साइज़ और 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 8 इंच का ये देखिए ऐसे रहेगा। अब हम गले पे जो डिज़ाइन बनाना है नेक डिज़ाइन, उसके लिए देखिए बीच का निशान लगा के 12.5 इंच की लंबाई रखी हूँ, क्योंकि नीचे भी हमें अभी और लेस लगाना है 1.5 इंच नीचे, और 1.5 इंच के से ऐसे हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे कि एक बराबर आ जाए। और यहाँ पे हमें कॉर्नर ऐसे कटिंग करना है, उसके लिए मैं निशान लगा लेती हूँ। ये देखिए बीचों बीच एक कटिंग करूँगी, बीच का कटिंग करके बस यहीं पे रुक के हमें ऐसे कॉर्नर कटिंग कर लेना है। ये देखिए बस यहीं तक कटिंग करना है। अब सेम ऐसे ही इधर भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, 3 इंच की चौड़ाई है टोटल, उसके हिसाब से 1.5 इंच इधर दोनों साइड से हम एक बराबर निशान लगा लेते हैं कि परेशानी ना हो, ऊपर नीचे ना हो ऐसे। ये देखिए इसे अब हम फोल्ड करके ऐसे प्रेस करके बैठा लेंगे अच्छे से, अच्छी तरीके से बैठ जाएगा ऐसे। अब ये देखिए हो गया, और ये मैं 4 इंच का कटिंग करके ऐसे चौड़ाई कटिंग की हूँ, 1/2 इंच अंदर एक्स्ट्रा ली हूँ कपड़े को रख के ऐसे सिलाई करने के लिए। ऐसे मैं पिनअप कर लूँगी ऐसे अच्छे से कि एक बराबर आ जाए। आपको पिनअप नहीं है तो आप सुई धागे से भी इसे पहले कर सकती हैं, उसके बाद सिलाई करिएगा कि आपको दोबारा खोलना ना पड़े, सही से बैठ जाएगा। वैसे मैं पिनअप कर लेती हूँ, सारी जगह पे ऐसे पिनअप हो जाएगा, थोड़े थोड़े दूरी पे कर रही हूँ क्योंकि जॉर्जेट है बहुत लूज कपड़ा होता है, इसको बैठाने के लिए मैं 1-1 इंच 2-2 इंच पे पिनअप कर ली हूँ। अब हम सिलाई कर लेंगे ऊपर से। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें कि जब मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको शो कर जाए। ये देखिए यहाँ पे मैं ऐसे सिलाई कर लेती हूँ। ऐसे पिन को हटाते हुए मैं ऐसे सिलाई कर ली हूँ। ये देखिए सिलाई हो गया। अब ऊपर से हम पतली लैस लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ऐसे पतली लैस लगाएंगे बॉर्डर पे कि आउटलाइन अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। उसके लिए ये आउटलाइनिंग ऐसे लगा देंगे, पतली सी लैस है, आप चौड़ी भी लगा सकती हैं, आपको जैसा पसंद है उसके अकॉर्डिंग लगा सकती हैं। ये देखिए 1 इंच के दूरी पे मैं दूसरा एक और लगा रही हूँ कि और थोड़ा प्यारा लगे देखने में। ऐसे घुमाते हुए 1 इंच की दूरी पे मैं ऐसे लगा लूँगी। ऐसे ही सेम में 4 पूरा लगाऊंगी, इसमें 5 लाइन हो जाएगा पूरा टोटल। ऐसे ही सेम मुझे और लगाने हैं। ये देखिए ऐसे ही लगानी है इसमें। अब ये देखिए लग गया है, 5 लाइन लगाई हूँ, और ये देखिए गले का लंबाई और चौड़ाई रख ली हूँ जितना मुझे रखना था उसके अकॉर्डिंग। ये बीच में निशान लगा ली हूँ कट करके, और बीचों बीच पहले एक सिलाई चलाऊँगी, फिर गला क्या होता है कि सेम जैसे एक बराबर बैठना चाहिए वैसे ऐसे बैठ जाता है बीच का सिलाई चला के, और वहीं से मैं घुमा के यहाँ पे ऐसे राउंड सिलाई चला लूँगी, और दूसरी साइड ऐसे ही फिर मैं चला लूँगी। ये देखिए पीना फटा के मैं सेम ऐसे ही इस साइड भी चला लूँगी। ये देखिए सिलाई चल गया है। अब 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के इसे कटिंग कर लेंगे एक्स्ट्रा कपड़े को, और फिर छोटे छोटे कट कर लेंगे इसमें, धागे को बचाते हुए सिलाई ना कटे, और मोड़ के ऐसे सिलाई चला लेंगे। ये देखिए गला बैठ गया है। अब ये देखिए अब पीछे का बैक पार्ट है जो, अब इसको मोड़ के ऐसे फोल्ड करके
कंधे का आप देखिए, ये कंधे को एक साइड रख के ऐसे निशान लगा लेंगे और आधा इंच मार्जिन ले लेंगे सिलाई के लिए। और 9 इंच लेंथ है गले की, उसके 9 इंच में ले ली हूँ। ऐसे गोल निशान लगा लेंगे, इसे कटिंग कर लेते हैं। पट्टी को साइड में ये गले को रख लेंगे और ऐसे डबल फोल्ड करके पट्टी के लिए कपड़ा ऐसे फोल्ड कर ली हूँ। और इसे जो गले का कटिंग की थी उसी को ही रख के हम कटिंग कर लेंगे पट्टी के लिए, सेम बराबर कट जाएगा। 1 इंच की चौड़ाई काट ली हूँ पट्टी की। अब इसे ऐसे रखते हुए यहाँ पे डोरी के लिए 3 इंच पे निशान लगा ली हूँ। यहाँ पे डोरी लगाऊंगी उसके लिए, यहाँ पे छोटा सा कट लगा देती हूँ। इसे क्या होगा कि निशान बन जाएगा कहाँ पे हमें डोरी लगानी है। ऐसे पट्टी को रख के सिलाई कर लेंगे। ये देखिए, डोरी को जहाँ पे निशान लगाई थी वहीं पे रख के अंदर में बीच में ऐसे सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे दूसरी साइड हम लगा लेंगे। ये देखिए, सिलाई कर दी हूँ। अब सिलाई को बचाते हुए छोटे छोटे कट कर लूँगी और फिर साइड में ऐसे सिलाई चला दूँगी और दूसरी साइड से आधा इंच फोल्ड करके ऐसे सिलाई चला लेंगे। ये देखिए, अब कंधे को जोड़ना है ऐसे पहले। ये देखिए, अब इसे रख के सीधा और फ्रंट पार्ट को उल्टा ऐसे रखते हुए सिलाई कर लेंगे। दूसरे कंधे को भी ऐसे जोड़ लेंगे। ये देखिए, अब इसे पलट के ऐसे हम फोल्ड करके एक सिलाई चला देंगे। करनी है वैसे तुरपाई, कच्ची सिलाई चला लेंगे हम ऐसे। गला रेडी हो गया है बनके। ये देखिए, ये डोरी, ये देखिए डोरी बन गया है। अब ये बाजू को देखिए, ऐसे एक कपड़ा और सेम साइज़ का कटिंग करके ऐसे सिलाई कर लूँगी अंदर फोल्ड करने के लिए। आधे इंच पे सिलाई कर ली हूँ। अब इसे ऐसे मोड़ के फिर एक ऊपर से एक सिलाई चला दूँगी फिनिशिंग के लिए, बैठ जाएगा ऐसे ऐसे। ये देखिए, अब हम ऐसे सीधा रख के इसको और बाजू को ऐसे रखते हुए एक सिलाई पहले चला लेंगे। एक बस अंदर वाली जो लाइनिंग है उसको पकड़ के सिलाई करनी है पहले। और जब ऐसे इसे पलटेंगे तो ये देखिए ऐसे आ गया। और आधा इंच फोल्ड करके ऐसे ऊपर से सिलाई चला देंगे। जब भी सिलाई चलाओ तो नीचे वाला कपड़े को खींचो हल्का आप, तो इससे क्या होगा कि सही आपको एकदम एक जगह पे आके बैठ जाएगा जितना होना चाहिए जैसे। ये देखिए हो गया। अब एक लैस लगानी है वही पतली बॉर्डर वाली, बॉर्डर लाइन पे लगा लूँगी। ये देखिए, और ऊपर 1 इंच छोड़ के एक और लैस लगा लूँगी मैं। ये देखिए हो गया। ऐसे ही दोनों बाजू को मैं रेडी कर लूँगी। ये फिटिंग का जितना मुझे रखना है उसके अकॉर्डिंग सिलाई चला लूँगी। ये देखिए रेडी हो गया बाजू। सेम ऐसा ही दूसरा भी बाजू रेडी कर लूँगी। ये देखिए, अब हम आगे की गहराई को सामने की तरफ रखते हुए, ये देखिए सामने की तरफ रखते हुए ऐसे मिला के सिलाई कर लेंगे। ये देखिए 24 कली राउंड एकदम है। इसको जोड़ के देखिए ये कर ली हूँ और ऊपर में लैस लगा दी हूँ, वही जो बॉर्डर पे लगाई थी सेम ऊपर में लगानी हूँ। लाइनिंग को भी देखिए सिल ली हूँ जोड़ के और नीचे का फोल्ड कर ली हूँ ऐसे कमर के हिसाब से जितना चाहिए था। मैं फिर दोनों साइड से सिलाई कर ली हूँ। ये देखिए अंदर की तरफ ऐसे लाइनिंग को रखते हुए ऐसे ऊपर की जो चोली है इसे घेरे के साथ जोड़ लेंगे। ये देखिए हो गया है।
अब इसे बॉर्डर जो 11 इंच का था उसे कटिंग कर ली हूँ। ये बाजू पे जैसे लगाई हूँ सेम वैसे ही लगाना है, बस ऊपर की पट्टी नहीं लगेगी। ये देखिए रेडी हो गया है फ्रॉक सूट हमारा। ये देखिए कितना प्यारा बन के रेडी है, एकदम करवा चौथ के अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारा सूट रेडी है। ये देखिए दुपट्टा भी रेडी है। इसका देखना है वीडियो आपको तो ये लाइव में मैं कली भी जोड़ी हूँ और दुपट्टा भी, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी दुपट्टा और कली जोड़ने का दोनों का ही। आपको देखना है तो वहाँ से देख लीजिएगा। ये देखिए लटकन रेडी है, इसका शॉर्ट्स डालूँगी। ये देखिए फाइनल लुक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय।